तो गाइस फाइनली मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 9 डेज हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो डोनर एरिया है वो थोड़ा बहुत हील हो चुका है, 9 डेज में इतना हील हुआ है। दर्द की बात करूं तो दर्द हो रहा है, जैसे आप सोते हो तो यहाँ पेन करता है, जब यहाँ पे कोई भी चीज टच होता है तो थोड़ा थोड़ा कुछ जमता है जहां जहां से ग्राफ निकला है। और मैं एक लोशन लगाता हूँ, मैं आपको लोशन लगा के दिखाता हूँ कि मैं डेली 2 टाइम ये लोशन लगाना पड़ता है मुझे। तो जैसा कि गाइज आपने देखा कि मैंने अपने डोनर एरिया पे किस तरह लोशन का अप्लाई करता हूँ, डेली पर डे मुझे 2 टाइम इसी तरह अप्लाई करना पड़ता है गाइज। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपको अगर छुट्टी है एक मंथ या 20 डेज का छुट्टी है तभी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराओ, वरना नहीं कराना।